नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने चैनल पे एक टॉपिक करेंगे जिसका नाम है मोशन एनालिसिस। मोशन एनालिसिस क्या होता है? मोशन एनालिसिस आपका होता है मोशन को एनालाइज करने का एक मेथड है, एक प्रोसीजर है। जब हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वर्कर के द्वारा जो भी उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने में मोशन किए जाते हैं, जो भी मूवमेंट की जाती हैं, जो भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, उनको एनालाइज करने का जो प्रोसीजर होता है उसी को कहते हैं मोशन एनालिसिस। मोशन एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस ऑफ ऑपरेशन व्हेन कैरिड आउट इन टर्म ऑफ इंडिविजुअल मोशन ऑफ वर्कर इज नोन एज मोशन एनालिसिस। इसके बाद आता है प्रोसीजर ऑफ मोशन एनालिसिस क्या है। पहले हम उस ऑपरेशन को सिलेक्ट करते हैं जिसमें हमें मोशन को स्टडी करना है। उसके बाद वर्कर ने जो भी मोशन परफॉर्म किए हैं किसी भी ऑपरेशन के दौरान, उनकी लिस्ट बनाते हैं। तीसरा, हम अनप्रोडक्टिव और अननेसेसरी मोशंस को एलिमिनेट करते हैं। उसके बाद अनप्रोडक्टिव और अननेसेसरी मोशंस को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद इस प्रोसीजर को हम स्टैंडर्डाइज करते हैं। इसके बाद आता है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मोशन इकोनॉमी। तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मोशन इकोनॉमी में इसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला है यूज ऑफ ह्यूमन बॉडी, दूसरा है अरेंजमेंट ऑफ वर्क प्लेस, तीसरा है डिजाइन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। तो पहला आता है यूज ऑफ ह्यूमन बॉडी। यूज ऑफ ह्यूमन बॉडी में दोनों के दोनों हाथों की जो मूवमेंट है सेम टाइम में होनी चाहिए, दोनों के दोनों हाथों की जो मूवमेंट है उन दोनों में जो रेस्ट होता है वो सेम नहीं होना चाहिए। तीसरा, मोशन ऑफ आर्म लगातार एक जैसे कंटिन्यूसली फ्लो में वर्क करते रहे। इसके बाद आपका आता है अरेंजमेंट ऑफ वर्क प्लेस। वर्क प्लेस क्या होता है? वर्क प्लेस आपका किसी भी इंडस्ट्री में वो स्पेस होता है जहाँ पे वर्कर मशीन के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है इन स्टैंडिंग पोजीशन, आइदर इन रेस्ट या फिर सिटिंग पोजीशन। वर्क प्लेस को कैसे लिखेंगे हम? तो वर्क प्लेस इज़ द स्पेस इन एनी इंडस्ट्री एट विच वर्कर परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन मशीन इन सिटिंग पोजिशन और इन स्टैंडिंग पोजिशन, दिस इज कॉल्ड वर्क प्लेस। तो अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए वर्क प्लेस का? जो उसके स्टेशंस हैं वो डेफिनेट और फिक्स होने चाहिए जहाँ पे टूल और मटेरियल को आराम से हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकें विदाउट टाइम ऑफ डिले। दूसरा, जो वर्क प्लेस है आपका डस्ट फ्री स्मोक फ्री, यानी ना तो रेत ना फिर धुआं वहाँ पे होना चाहिए, डस्टिंग नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, स्मोक वगैरह डस्ट वगैरह या फिर कोई अनदर एक्स्ट्रा साउंड वहाँ पर नहीं होना चाहिए। टूल मटेरियल आपके प्री पोजिशंस में रखे होने चाहिए, पहले से ही फिक्स जगह पे रखे हुए होने चाहिए। मटेरियल और टूल आपका सीक्वेंस में लगे हुए होने चाहिए जिससे उसको अरेंज करने में डिले टाइम कम से कम लगे। इसके बाद आपका आता है टूल एंड इक्विपमेंट का डिजाइन। बोथ हैंड शुड बी रिलीव्ड ऑल वर्क और होल्डिंग द वर्क पीस वेयर दिस कैन बी डन बाई जिग फिक्सर और फुट ऑपरेटेड डिवाइस। यानी डिजाइन ऑफ टूल एंड इक्विपमेंट में मोशन एनालिसिस में हम क्या करते हैं, तो इसमें इसका ये प्रिंसिपल है, ये बताता है कि दोनों के दोनों हाथ अगर किसी भी वर्क पीस को हम होल्ड कर रहे हैं, टाइटली पकड़ रहे हैं, चाहे फुट ऑपरेटेड डिवाइस से पकड़े हैं, चाहे जिग से पकड़े हैं, चाहे फिक्सर से पकड़े हैं, तो हाथों की मूवमेंट आपका सेम होना चाहिए बोथ हैंड में। और हो सके तो टूल, दो या दो से ज़्यादा टूल एक जगह रखे होने चाहिए अगर पॉसिबल हो सके। द टू हैंड या टू टूल्स और मोर देन टू टूल्स शुड बी कम्बाइंड वेन एवर पॉसिबल। आगे आपका है देयर ब्लिक्स। देयर ब्लिक्स क्या होता है? देयर ब्लिक्स को गिलबर्ट ने सजेस्ट किया था और ये हमारा डिस्क्राइब करता है किसी भी वर्क साइकिल के दौरान वर्कर के द्वारा जितनी भी मूवमेंट की जाती हैं उनको क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, बताता है। इसके बाद आता है देयर ब्लिक्स में आप दूसरा डेफिनेशन भी दे सकते हैं कि देयर ब्लिक्स क्या है। इट इज़ द टेक्निक विच इज़ यूज टू स्टडी द मोशन इकोनॉमी इन वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पे वर्कर जब कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो उसके दौरान जितने भी मोशंस उसके द्वारा किए जाते हैं, जितनी भी एक्टिविटी, जितनी भी मूवमेंट वर्कर के द्वारा परफॉर्म की जाती है उनको क्या करता है, एनालाइज करता है और रिकॉर्ड करता है और उन्हें आइडेंटिफाई करने में, अननेसेसरी और अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करता है। तो कौन कौन से सिंबल्स होते हैं जो हम यूज करते हैं? तो सिंबल होता है सर्च का, इसमें इंडिकेट कर रखा है सर्च का सिंबल, आपको दिखाते हैं। ये सर्च का सिंबल है, ये फाइंड का सिंबल है, ये सेलेक्ट का सिंबल है, ये आपका ग्रैप्स का सिंबल है, ये होल्ड का सिंबल है, ये ट्रांसपोर्ट लोडेड का सिंबल है, ये पोजीशन का सिंबल है, ये आपका असेंबल का सिंबल है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है
सिमो चार्ट क्या होता है, तो सिमो का फुल फॉर्म क्या होता है, सिमुलटेनियस मोशन साइकिल चार्ट। सिमो चार्ट किस लिए यूज होता है? सिमो चार्ट आपका माइन्यूट से माइन्यूट यानी माइनर से माइनर मूवमेंट जो दोनों हाथों की होती है किसी भी ऑपरेशन के दौरान, जो वर्कर ऑपरेशन को परफॉर्म करता है मशीन पे, उसको कॉमन टाइम स्केल पे शो करता है। तो सिमुलटेनियसली मोशन साइकिल चार्ट इज ए डिटेल लेफ्ट हैंड राइट हैंड ऑपरेशन चार्ट। इट शो द सिमुलटेनियस माइन्यूट मूवमेंट्स परफॉर्म्ड बाय टू हैंड्स ऑफ द ऑपरेटर ऑन ए कॉमन टाइम स्केल। कॉमन टाइम स्केल को किस में रिप्रेजेंट करते हैं? तो कॉमन टाइम स्केल को हम विंक में रिप्रेजेंट करते हैं। वन विंक इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2000 मिनट्स। इसके बाद आपका टॉपिक आता है इर्गोनॉमिक्स। इर्गोनॉमिक्स किसे कहते हैं? तो इर्गोनॉमिक्स का मतलब होता है ह्यूमन मोशन इकोनॉमी। तो एक साइंटिफिक स्टडी होती है जो हमें मैन और उसके वर्किंग एनवायरनमेंट के बारे में बताती है। मैन और उसके वर्किंग एनवायरनमेंट के बीच में क्या रिलेशन है उसके बारे में हमें बताती है। इर्गोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज ह्यूमन मोशन इकोनॉमी। इट इज़ ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड हिज वर्किंग एनवायरनमेंट। वर्कर और उसके वर्किंग एनवायरनमेंट के बारे में हमें जो टेक्निक बताती है उसको हम नाम देते हैं इर्गोनॉमिक्स। इर्गोनॉमिक्स होता क्या है? इर्गोनॉमिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड हिज वर्किंग एनवायरनमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव होता है आपका वर्कर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वर्कप्लेस को तैयार करना। दूसरा होता है वर्कर के हिसाब से वर्किंग एनवायरनमेंट तैयार करना। तीसरा होता है वर्कर को अच्छी वर्किंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराना। चौथा होता है कि वर्कर की वर्किंग एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में हेल्प करना। पांचवा होता है कि वर्कर का जो वर्किंग टाइम है और उसका जो वर्क प्लेस है उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करना जिससे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। इसके बाद आपका टॉपिक आता है एप्लीकेशंस ऑफ इर्गोनॉमिक्स। तो इर्गोनॉमिक्स का यूज कहाँ पर है? तो पहला वर्किंग एनवायरनमेंट में यूज है, दूसरा वर्क प्लेस लेआउट में यूज है, तीसरा आपका बहुत सारे एरियाज आपके आते हैं। इसके बाद आपका टॉपिक आता है वर्क मेजरमेंट, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। वर्क मेजरमेंट क्या होता है? इट कंसर्न्ड विद द डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ए यूनिट ऑफ वर्क। वर्क मेजरमेंट वैसे होता क्या है? वर्क को मेजर करने वाला टेक्निक होता है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं वर्क मेजरमेंट इज़ द टेक्निक विच इज़ यूज टू डिटरमाइन द परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर मेजरिंग वर्क ऑफ द वर्कर ड्यूरिंग एनी ऑपरेशन एट ए डिफाइंड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। दिस इज ऑल्सो नोन एज वर्क मेजरमेंट। इसके बाद ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं कि वर्क मेजरमेंट क्या होता है? इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक डिजाइन टू एस्टेब्लिश द टाइम फॉर ए क्वालिफाइड वर्कर टू कैरी आउट स्पेसिफाइड जॉब एट ए डिफाइंड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। की एक ऐसी टेक्निक का यूज है जिसको डिजाइन किया गया है टाइम के हिसाब से क्वालिफाइड वर्कर ने जो भी परफॉर्मेंस दी है किसी भी डिफाइंड लेवल पे किसी भी स्पेसिफिक जॉब के रिगार्डिंग, तो उसके वर्क को मेजर करने वाला जो टेक्निक होता है इसको भी क्या कहते हैं? हम वर्क मेजरमेंट कहते हैं। वर्क मेजरमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? वर्कर के वर्क को मेजर करना। दूसरा, वर्कर की एक्टिविटीज़ को एनालाइज करना ड्यूरिंग एनी ऑपरेशन। तीसरा, वर्कर का वर्किंग शेड्यूल प्रिपेयर करना। फोर्थ, आपका वर्कर का वेज वर्कर का इंसेंटिव डिसाइड करने में हेल्प करता है। वर्कर की मैनी टाइम्स ऑफ परफॉर्मेंस को क्या करता है? एनालाइज करता है। न्यू मेथड्स प्रोवाइड कराता है वर्क करने के। इसके बाद आपका टॉपिक आता है ये ह्यूमन एफर्ट को मिनिमाइज करने के लिए होता है। ये नंबर ऑफ मशीन्स पे ऑपरेटर रन करते हैं उसको डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है। एस्टिमेट फ्यूचर में लेबर का कॉस्ट और लेबर का रिक्वायरमेंट कितना रहेगा उसको डिटरमाइन करने में मदद करता है। टाइम को डिटरमाइन करने में मदद करता है कि एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने में कितना टाइम हमें लगेगा। इसके बाद ये प्रॉपर यूटिलाइजेशन प्रोवाइड कराता है मैन मटेरियल मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स। इसके बाद प्रोसीजर ऑफ वर्क मेजरमेंट क्या है? तो प्रोसीजर ऑफ वर्क मेजरमेंट में पहला आपका आता है सेलेक्ट। सेलेक्ट का मतलब क्या होता है?
कि सबसे पहले